तो यहाँ पे हम लोग एक्सिस बैंक का 150 क्वांटिटी शॉर्ट सेल करने वाले, तो सबसे पहले कर लेते हैं एक्सिस बैंक। तो इसका शॉर्ट सेल हम लोग करने वाले 150 क्वांटिटी। क्या लॉजिक से मैंने शॉर्ट सेल किया है ये सब वीडियो में बने रही है, ये सब के बारे में मैं बात करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे ऑर्डर लगा देते हैं शॉर्ट सेल, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब इसका सबसे पहले स्टॉप लॉस और टारगेट लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा करीब, एक्सेट में जाएंगे, स्टॉप लॉस लगाना है, एसएल ऑर्डर लिमिट, स्टॉप लॉस मेरा होगा 737.05। ये है मेरा स्टॉप लॉस। और इसका टारगेट क्या होगा, टारगेट भी लगा लेते हैं। टारगेट मेरा करीब होगा अराउंड 731.30, ये होगा मेरा टारगेट। तो किस बेसिस में मैंने ट्रेड लिया ये सारा लॉजिक मैं बताऊंगा, वीडियो में आप बने रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे 313 का प्रॉफिट हो चुका है। ये स्टॉप लॉस ऑर्डर को हटा देता हूँ। अब इसके पीछे का लॉजिक देख लेते हैं कि क्यों मुझे इतना का प्रॉफिट हुआ। तो ये रहा एक्सिस बैंक का चार्ट, मैंने यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लिया था, रीज़न क्या था। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं 200 EMA के नीचे आ रहा था, वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, ये हो गया रीज़न नंबर वन। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक शार्प फॉल हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ये VWAP के करीब आ गया है, तो ज़्यादा चांस था कि ये तोड़ के नीचे जाने वाला है। और ऊपर से बैंक निफ्टी का भी अगर आप चार्ट देखेंगे, वहाँ भी एक रेजिस्टेंस एरिया में था, उससे नीचे आ रहा था, तो ज़्यादा चांस है मार्केट का सेंटिमेंट अभी डाउन है, तो इसलिए मैंने ये लिया था। और इसका रीज़न है कि मुझे स्टॉप लॉस मेरा इतना है, इस रेजिस्टेंस के हल्का सा ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था, और उसके हिसाब से मुझे टारगेट अच्छा मिल रहा था। 1:1 से ज़्यादा का ट्रेड मैंने लिया और मेरा टारगेट हिट हो गया, तो मैं वहाँ पे निकल गया, ठीक है। तो ये रीज़न था। अगर आपको ऐसा वीडियो और देखना है, इंट्राडे कैसे क्या लॉजिक रहता है, और मैं स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर अपना कोर्स लाने वाला हूँ, जिसमें आप लोग को पता चलेगा कि कैसे स्टॉक का सिलेक्शन किया जाता है, मैं कैसे करता हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो में बने रहें।